पढ़ने के लिए दिया था मैंने आप लोगों को, पढ़ के आए हो? सभी लोग पढ़ के आए हो? बर्नौली प्रिंसिपल के एप्लीकेशन सारे मैंने आप लोगों को ओरली समझा दिए थे, ठीक है? वेंचुरी मीटर, एटमोइजर, रूफ वाला सिस्टम, डायनामिक लिफ्ट, ठीक है, बॉल का स्पिन करना, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आज जो बेटा आज हम लोगों को करना है, आज हम लोग इन सारी कंडीशंस को ना लिखेंगे, ठीक है। पहली हेडिंग क्या डाल रखी है आप लोगों ने ये बताइए जरा हमें। फर्स्ट हेडिंग क्या है? वेंचुरी मीटर। कुछ लिखवाया मैंने अभी तक इसके अंदर? क्या लिखवाया है? मैं बता देता हूँ, वेंचुरी मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज करके लिक्विड के फ्लो को मेजर करेंगे। क्या बात है भाई, इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्यों इतने मुस्कुरा रहे हो? गधा है वो तो। चलिए बच्चों, ठीक है, तो यह है बेटा हमारे पास में वेंचुरी मीटर, ठीक है। वेंचुरी मीटर का यूज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वेंचुरी मीटर का हम यूज करेंगे लिक्विड के फ्लो को मेजर करने के लिए। यहां स्पीड जो होगी लिक्विड की वो कम होगी, यहां स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां स्पीड कम है इसीलिए प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा हाइट तक लिक्विड फिल है, यहां कम हाइट तक लिक्विड फिल है। समझ में आ रही बात? हमें कुछ भी करके V1 और V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप ये देखो बेटा कि ये जो ट्यूब है ना आपके सामने, ये बिल्कुल सीधी है ना सीधी। तो अगर मैं दो पॉइंट मार्क करूं, मैंने एक पॉइंट तो ये कंसीडर कर लिया है यहां पर, और एक पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया है यहां पर, तो मैं कहूंगा जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होगी बिल्कुल वही पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होगी। क्यों? अगर आप इस स्क्रीन के, ये जो आपके सामने फ्लैट पैनल है, इसे आप बॉटम मान लें, यहां इसे आप बॉटम मान लें, ठीक है। तो जितनी हाइट यहां से जितनी हाइट इसकी है, बिल्कुल यहां से उतनी ही हाइट इसकी है, बताओ है या नहीं? तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी बिल्कुल वही पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी। तो हम ये मानकर चलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी दोनों की बराबर है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, ठीक है। अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि डेरिवेशन आप ऐसे पढ़ें कि दोबारा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप अच्छे से समझ जाएं डेरिवेशन को, ठीक है। चलिए बेटा, हम लोगों ने लेट किया कि यहां पर जो लिक्विड का प्रेशर है वो है P1, कितना प्रेशर है P1. और यहां का जो एरिया है, ये जो एरिया है वो आप लोगों को दिया है स्मॉल A1, और जो लिक्विड की वेलोसिटी आपको दी है वो दी है V1। प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, वेलोसिटी, क्योंकि मैं समझा चुका हूं कल, तो आज मैं चाहूंगा कि थोड़ा स्पीड बढ़ाएं हम लोग और तेजी से काम करें, ठीक है। प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है। हम लोगों ने यहां लेट किया प्रेशर P2 है, एरिया A2 है, और वेलोसिटी V2 है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम ये कहती है कि जितनी एनर्जी यहां होगी बिल्कुल उतनी ही एनर्जी यहां होगी। बर्नौली थ्योरम कहती क्या है? एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट के इक्वल रहेगा। किसके इक्वल रहेगा? तो जो एनर्जी यहां रहने वाली है बिल्कुल उतनी ही एनर्जी यहां रहने वाली है। तो हमने क्या किया बेटा, जरा ध्यान से, हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया है कैपिटल ए। क्या नाम दिया है? और इस पॉइंट को हमने नाम दिया है कैपिटल बी। सो मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट ए इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट बी। जितनी एनर्जी ए पर होगी उतनी ही एनर्जी बी पर होगी। समझ में आ रही बात? क्योंकि एनर्जी का सम ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ये बताइए ए वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना है और वेलोसिटी कितनी है? सो मैं क्या लिखूंगा बेटा, ए वाले पॉइंट पर प्रेशर है P1 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ρV1² ठीक है, और बी वाले पॉइंट पर प्रेशर है P2 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ρV2² इधर प्रेशर P1 है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, उधर प्रेशर P2 है और काइनेटिक एनर्जी इतनी है। मैंने पोटेंशियल एनर्जी को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, फॉर एग्जांपल मैंने ये हाइट कैपिटल H लेट कर दी है, तो यहां की पोटेंशियल
एनर्जी रो जी कैपिटल एच, यहाँ भी रो जी कैपिटल एच दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए मैंने दिखाया नहीं है। अब जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो एकदम से समझ जाएंगे कि जब भी ट्यूब आपके पास में सीधी आएगी ना, सीधी ट्यूब आएगी, आप पोटेंशियल एनर्जी को लोगे ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरफ क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। बताइए समझ चुके हो क्या? ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम P2 को लेकर आएंगे इधर। सो पी वन माइनस के पी टू इज इक्वल टू हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो वी वन स्क्वायर। ठीक है, एक जैसों को एक तरफ हम लोगों ने रख लिया है, पूरे प्रेशर को हम इधर लेकर चले गए हैं और काइनेटिक एनर्जी को हम उधर लेकर चले गए हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कॉमन सी बात है बिल्कुल। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, देखो जरा, पी वन माइनस के पी टू हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस के वी वन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पी वन माइनस के पी टू का मतलब है इसका जो प्रेशर है यहां का, यहां का प्रेशर कितना है और इसका प्रेशर कितना है, और इन दोनों की हाइट के बीच में डिफरेंस कितना है, h है या नहीं है, समझ में आ रही बात? तो अब थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा बेटा, मैंने इस हाइट को यहां से यहां तक की हाइट को लेट कर दिया है x1, कितना लेट कर दिया है x1, और यहां से लेकर यहां तक की हाइट को मैंने लेट कर दिया है x2। यहां भी लिक्विड की डेंसिटी रो है और यहां भी लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो p1 की जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये बताइए कि इस कॉलम के अंदर कितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, x1, डेंसिटी कितनी है, ग्रेविटी की वैल्यू, ऑलरेडी हम प्रेशर की वैल्यू आपको बता चुके हैं, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ये प्रेशर की वैल्यू होती है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आगे से ध्यान रखें इस बात को कि हाइट इतनी हाइट तक लिक्विड भरा है, x1 हाइट तक, लिक्विड की डेंसिटी रो और ग्रेविटी की वैल्यू जी, यहां प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी बेटा x2 रो जी, समझ में आ रही बात? क्योंकि ये हाइट कितनी है x2 और ये हाइट कितनी है p1 की वैल्यू इतनी है और p2 की वैल्यू इतनी है, हमें चाहिए p1 माइनस p2। हमने p1 की जगह रखा, हमने p1 की जगह रखा x1 रो g माइनस x2 रो g, हमने यहां से रो को और 2 को ले लिया है कॉमन, अंदर बचेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से जरा, हमने यहां से रो और ग्रेविटी को कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा x1 माइनस के x2 इज इक्वल टू रो बाय 2 v2 स्क्वायर माइनस के v1 स्क्वायर, रो से रो कैंसिल आउट, x1 माइनस x2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, अगर इस पूरी हाइट में से x2 को माइनस करेंगे, बताओ h निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो हमने बेटा x1 माइनस x2 को लिख दिया है h, क्या लिखा है, साथ में क्या है जी, समझ में आ रही बात सभी लोगों को? इधर क्या बचा अपने पास में, v2 स्क्वायर माइनस के v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, क्या बचा 2hg इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस, बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है, v2 कौन से लिक्विड की वेलोसिटी है, यहां के लिक्विड की वेलोसिटी है, और v1 कहां की वेलोसिटी है, v1 यहां की वेलोसिटी है, तो हमारे पास में एक इक्वेशन बन चुकी है v2 स्क्वायर माइनस के v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2hg, जी आप जानते हैं ग्रेविटी है, 2 आप जानते हैं कांस्टेंट है, v1 यहां की लिक्विड की वेलोसिटी है जो आगे फ्लो कर रहा होगा और v2 यहां के लिक्विड की वेलोसिटी है जो आगे फ्लो कर रहा होगा। बस आप लोगों को इस पूरे एक्सपेरिमेंट में h पर ध्यान देकर चलना है कि h क्या है, h क्या है बेटा, इस वाले कॉलम के अंदर कितनी हाइट तक पानी भरेगा वो x1, इस वाले कॉलम के अंदर कहां तक लिक्विड होगा वो x2, दोनों कॉलम के बीच हाइट का जो डिफरेंस होगा, देखो यहां लिक्विड यहां तक है और इसमें लिक्विड यहां तक है, ये डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को, यही डिफरेंस क्या कहलाएगा हमारा, दोनों के बीच में, दोनों कॉलम के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है वो हमारा एच कहलाएगा। ये हो चुका है हमारे पास में फॉर्मूला, अभी भी काम हमारा फिनिश नहीं हुआ है, ये बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या सभी लोगों को, जल्दी से बताओ, पक्का? हमने ए वाले पॉइंट पर एनर्जी किसके बराबर रखी, कौन सी थ्योरम के अकॉर्डिंग, बर्नौली थ्योरम के मुताबिक, पोटेंशियल एनर्जी को हमने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, सेम पोटेंशियल एनर्जी है ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, समझ में आ रही बात? प्रेशर P1 काइनेटिक एनर्जी दिस, प्रेशर P2 काइनेटिक एनर्जी दिस, P2 को इधर लेकर आ गए, काइनेटिक एनर्जी को दूसरी तरफ लेकर चले गए,
थोड़ा बच्चा P1 P2 में दिक्कत करता है, जिसने नहीं पढ़ रखा है वो करता है प्रॉब्लम, जिसने पढ़ रखा है उसे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। P1 की वैल्यू हो गई इतनी, P2 की वैल्यू हो गई इतनी, इसको हमने यहाँ रखा, रो से रो कैंसिल आउट, सॉल्व करते चले गए, ये लिख दिया हम लोगों ने। ये पता है ना X1 माइनस X2 कहाँ से आया? X1 माइनस X2 को हम लोगों ने क्या लिखा है? स्मॉल h। समझ में आ रही बात? अभी सिर्फ दो लाइन का काम बचा है हमारे पास में, जगह नहीं बची है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। विद डायग्राम, डायग्राम के साथ बना लोगे डायग्राम, दिख रहा है ना? हो गया बेटा, आगे बढ़े। ठीक है, देखो मैं इधर कर रहा हूं, अब ध्यान दे रहा आप अच्छे से जरा। ठीक है, हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया है ना बेटा, वो निकल कर आया है ये v2² - v1² = 2hg। ठीक है, आया है ना निकल कर। यहां का एरिया मुझे बताइए कितना है? स्मॉल a1, कैपिटल a से ना दिखाकर हमने स्मॉल a से दिखाया है। और यहां का एरिया कितना है? आपको याद होगा आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ रखी है, पढ़ रखी है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या कहती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? यहां का एरिया, यहां की वेलोसिटी और यहां की डेंसिटी, तीनों का प्रोडक्ट यहां का एरिया, यहां की वेलोसिटी और यहां की डेंसिटी के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। भूल तो नहीं गए हो? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को। एरिया कितना है? वेलोसिटी, डेंसिटी, यहां का एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी, दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? क्योंकि जितना लिक्विड आएगा उतना ही लिक्विड दूर जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1V1 = A2V2। ठीक है,
अब देखो बेटा आगे हम क्या करेंगे, यहां से v1 की वैल्यू निकालते हैं कितनी आएगी, v1 की वैल्यू आएगी a2v2 upon a1, v1 की वैल्यू हमारी ये निकल गई a2v2 upon a1, आ गई है ना वैल्यू। यहां से v1 की जगह यहां से उठाइए, यहां पुट करिए, सो v2 स्क्वायर माइनस v1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे a2v2 upon a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2hg। बताइए कॉमन क्या आ रहा है, जरा जल्दी से बता दीजिए कॉमन क्या आ रहा है, v2 स्क्वायर क्या आ रहा है, यहां से v2 स्क्वायर कॉमन तो क्या बचा माइनस a2 का स्क्वायर करेंगे a2 स्क्वायर, यहां किसका स्क्वायर करेंगे a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ठीक है इसको ले जाते हैं इसके अपॉन में, जब इसको इसके अपॉन में लेकर जाएंगे सो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2hg 1 माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे और इधर क्या लग जाएगा, लो भैया ये निकल गया v2, क्या निकल गया v2 को उठाकर यहां पुट करेंगे, दिख रहा है आप लोगों को ये v2 को उठाकर यहां से यहां इसकी जगह पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा यहां से v1 का मतलब है कि यहां लिक्विड की स्पीड कितनी है नैरो ओपनिंग में, यानी नैरो वाले पॉइंट में लिक्विड की स्पीड कितनी है और वाइडर वाले पोर्शन में लिक्विड की स्पीड कितनी है। यहां जो लिक्विड की स्पीड होगी ये क्या कहलाएगी v1, और यहां जो लिक्विड की स्पीड होगी ये क्या कहलाएगी v2। बताइए समझ में आ गई क्या बेटा, पहले हम लोगों ने अप्लाई किया है बर्नौली प्रिंसिपल पोटेंशियल एनर्जी को ना लेकर। मुझे पूरी क्लास ये बता दीजिए कि पहला स्टेप सबका क्लियर है क्या, सबका क्लियर है पक्का, सेकंड स्टेप क्लियर है सभी लोगों, प्रेशर एक तरफ काइनेटिक एनर्जी एक तरफ, P1 को हम लोगों ने क्या लिखा, मान लिया कि इस कॉलम में हाइट X1 तक है और इस कॉलम में हाइट X2, यानी इस कॉलम में लिक्विड X2 तक भरा हुआ है, X1 रोजी X2 रोजी रो अपॉन 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है रोजी कॉमन आ गया, इधर से रो बाय 2 कॉमन, रो से रो कैंसिल आउट, X1 माइनस X2 इज कॉल्ड H, 2 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे एक इक्वेशन ये बन गई। यहां तक किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बता दो वो अच्छे तरीके से, किसी को नहीं है ठीक है। इसके बाद हमने कौन सी इक्वेशन लगाई, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ a1v1 इज इक्वल टू, यहां से किसकी वैल्यू निकाली, मैं चाहूं तो v2 की भी निकाल सकता हूं, जिसकी चाहो उसके निकाल दो, कोई ऐसी बात तो है नहीं, समझ में आ रही बात आप लोगों को, यहां से वैल्यू निकालो और वैल्यू निकाल कर यहां v1 की जगह पुट कर दो, v2 स्क्वायर कॉमन, ये पूरा ब्रैकेट अपॉन में पहुंच जाएगा, स्क्वायर हटाकर अंडर रूट लगा देंगे, ये हमारी लिक्विड की वेलोसिटी आ जाएगी। ये तो v2 की वैल्यू आई है, अगर हमें v1 निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा, v2 को यहां से उठाकर इस v2 की जगह रखना पड़ेगा, यहां से क्या निकल जाएगा v1, आ गया ना समझ में, कर लीजिए नोट। ठीक है, सेम डेरिवेशन आपको दो बार रिपीट करनी है बच्चों, पेपर में पेपर निकालकर बीच में से उसमें दो बार इस डेरिवेशन को अपने हाथ से लिखकर देखना है आप लोगों को, ठीक है पहला होमवर्क है आप लोगों का नेक्स्ट क्लास के लिए, दो बार रिपीट करना है आपको इसे, और स्टेप बाय स्टेप क्लियर होना चाहिए बिल्कुल आप लोगों को, कहां मैंने कौन सा स्टेप क्यों लिखा है। ठीक आसिफ क्लियर हो गया तुम्हें, सारे स्टेप क्लियर हैं, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन हमारे सामने क्या निकल कर आएगी। वेंचुरी मीटर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आपके सामने डायग्राम भी बना हुआ है और पूरी डेरिवेशन भी हम लोगों ने कर दी है, डायग्राम भी बना लिया है ना सभी लोगों ने। नेक्स्ट हेडिंग इज
सेकंड एप्लीकेशन एटमॉइजर थ्योरेटिकल है, पहले न्यूमेरिकल वाले कंप्लीट करा देते हैं। तीसरे वाला क्या था? चौथे वाला टॉरसली वाले कौन से नंबर पे है? वही लिख दो, पहले न्यूमेरिकल वाले कंप्लीट करा देते हैं। टॉरसली लॉ ऑफ इफ्लक्स, टॉरसली लॉ ऑफ इफ्लक्स, ठीक है, क्लियर? जल्दी से बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। देखो भाई यहां देखो, अब ध्यान से, बड़ा सा कंटेनर दिख रहा है तुम लोगों को, कंटेनर की वॉल में हमने एक होल कर दिया, वहां से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, और वो पानी यहां से निकलकर सीधा ग्राउंड से जाकर टकराएगा। हमें सिर्फ इतना बताना है कि होल करने के बाद में यहां से जो वाटर बाहर निकलेगा उस वाटर की कितनी स्पीड होने वाली है, हम लोगों को ये बताना है, ठीक है? चलो भैया हम स्पीड बताते हैं, लेकिन स्पीड बताने से पहले इसने ये जो दे रखा है ना, ये सब हटा देते हैं यहां से। ठीक, चलिए बहुत आसान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने एक पॉइंट बेटा यहां लेट कर दिया है और इस पॉइंट को नाम दिया है ए। क्या नाम दिया है? और एक पॉइंट मैंने यहां लेट कर दिया है, इस पॉइंट को नाम दिया है बी। ये पॉइंट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर है, वाटर के सरफेस से जस्ट बिलो, बिल्कुल समझ में आ रही बात। और ये पॉइंट यहां है हमारा, ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल के मुताबिक इन दोनों पॉइंट पर सेम एनर्जी होगी या नहीं होगी? बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? यही तो कहती है कि हर पॉइंट पर सेम एनर्जी होगी। अरे कहती है या नहीं कहती है यार? बर्नौली थ्योरम ये कहती है कि हर पॉइंट पर सेम एनर्जी होगी। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पॉइंट पर एनर्जी और बी पॉइंट पर एनर्जी आपस में इक्वल रहने वाली है, ठीक है। अब जरा विचार करते हैं कि ए पॉइंट पर कितनी एनर्जी होगी और बी पॉइंट पर कितनी होगी, और बताना मेरी बात से सहमत है या नहीं है आप लोग, ठीक है। बेटा इस ए पॉइंट पर बाहर से एक प्रेशर काम कर रहा होगा, इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक हवा की वजह से इस पॉइंट पर एक प्रेशर काम कर रहा होगा, वो हमारा पी कहलाएगा, पी, ठीक है। मुझे ये बताइए यहाँ का जो लिक्विड है क्या वो मोशन कर रहा है? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो और ये बताओ कि ये लिक्विड मोशन कर रहा है? नहीं, आराम से कंटेनर के अंदर फिल है, बिल्कुल मोशन नहीं कर रहा है ना, कोई रिवर में थोड़ी फ्लो कर रहा है, एक कंटेनर में आराम से रखा हुआ है, रखा हुआ है ना आराम से, बिल्कुल समझ में आ रही बात आप लोगों को। प्रेशर एनर्जी कितनी रहेगी? पी। ए पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी रहेगी पी। यहां का लिक्विड मोशन नहीं कर रहा है, और अगर मोशन नहीं कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, समझ में आ रही बात। ये पॉइंट, जिस पॉइंट को मैंने ए मान के रखा हुआ है, ये पॉइंट ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पर है? कितनी हाइट पर है? तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? एच रो जी या रो जी एच, जो भी तुम कहना चाहो, यही तो होता है, रो जी एच कह लो या एच रो जी कह लो, एक ही बात है। बताओ समझे या नहीं समझे? पक्का? ए वाले पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी कितनी है? पी ड्यू टू एयर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। और ए वाले पॉइंट की ग्राउंड लेवल से जो हाइट है वो एच है, तो एनर्जी हो गई रो जी एच, ठीक है। अब आ जाइए बी वाले पॉइंट पर, ये बी पॉइंट है बेटा, यहां भी तो बाहर एयर ही होगी ना, और एयर की वजह से यहां जो प्रेशर काम कर रहा होगा वो भी पी ही काम कर रहा होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे बी वाले पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी हो गई पी, प्रेशर एनर्जी। थोड़ा ध्यान से, यहां से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उस लिक्विड की स्पीड है वी। यहां से जो लिक्विड, भाई अगर आपने होल कर दिया यार, छोटे बच्चे की समझने वाली बात यह है कि भैया होल करते ही एकदम से धुआंधार तरीके से लिक्विड यहां से निकलकर भागेगा, भागेगा या नहीं भागेगा? जब लिक्विड यहां से निकलकर भागेगा तो लिक्विड की स्पीड कितनी है? वी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ रो वी स्क्वायर। आया समझ में?
और ये जो बी वाला पॉइंट है ये ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पर है, ग्राउंड से हाइट देखनी है बेटा, ग्राउंड से ये पूरी हाइट कितनी है कैपिटल एच, और ये हाइट कितनी है स्मॉल एच, तो ये हो गई कैपिटल एच माइनस, समझ में आ रही बात। तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी हो गई रो जी कैपिटल एच माइनस, जल्दी से बता दो, समझ में आया नहीं है, सबको क्लियर है पक्का? दोनों में प्रेशर एनर्जी सेम है, ये पता है क्यों है? क्योंकि दोनों के बाहर एयर है। एक की काइनेटिक एनर्जी क्या है, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी, एक की पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच और एक की पोटेंशियल एनर्जी रो जी, और ग्राउंड लेवल से हाइट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। पी से पी कैंसिल आउट, क्या बचा यहां पर, इज इक्वल टू हाफ रो जी की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, रो जी कैपिटल एच माइनस ये रो जी एच इक्वल टू से इधर, ये इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर लेकर आ जाओ, प्लस में हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? पोल खुल गई भाई। छिपाए से नहीं छिपता है कुछ ताक, छिप गया दोबारा से, चलो ठीक है। देखो रो जी एच बचा हमारे पास में, इधर क्या है हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी, ये क्या है कैपिटल एच माइनस रो जी स्मॉल एच, हमने इससे इसे कैंसिल आउट कर दिया, क्या हुआ? अच्छा फिर ये लिख दिया, स्मॉल एच, ठीक है भाई अब ठीक है, दांत दिखाओ फिर दोबारा से, इसे ये कैंसिल आउट, देखो क्या बचा अपने पास में, इधर क्या बच रहा है हाफ रो वी स्क्वायर, ये माइनस के रो जी एच इक्वल टू से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अरे समझ रहे हो भाई, रो से रो क्या हो गया, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू की मल्टीप्लाई यहां करेंगे टू जी एच, सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। बताइए समझ आया नहीं आया? अब आप ध्यान से फॉर्मूले को देखिए, अंडर रूट है 2 है और G है, 2 और G तो कांस्टेंट है या नहीं है, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट स्मॉल h, हो गया, यानी ऊपर से जितनी ज्यादा डेप्थ पर होल होगा, यानी मैं ये कह सकता हूं बेटा जरा देखो ध्यान से, अगर मैं एक होल यहां बना देता हूं और एक होल में यहां बना देता हूं, ठीक है मैंने दो होल और बना दिया आपके सामने, तो आप मुझे ये बताइए ये वाला जो होल है ऊपर से देखना है, क्योंकि स्मॉल एच जो लिया है ना आपने वो ऊपर से लिया है, ये जो स्मॉल एच आप लोगों ने लिया है ये ऊपर से लिया है, और वेलोसिटी स्मॉल एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ऊपर वाले सरफेस से जितनी गहराई में होल होगा वहां से जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, समझ में आ रही बात, समझ पा रहे हो आप लोग भाई, फॉर्मूले में स्मॉल एच आया है और स्मॉल एच जो डेप्थ है या हाइट है ये ऊपर वाले सरफेस से है ना, ऊपर वाले सरफेस से, यानी स्मॉल एच जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। अब बताओ स्मॉल एच की वैल्यू इन तीनों होल में से किसके लिए सबसे ज्यादा होगी, इस वाले के लिए इतनी हो जाएगी, अरे हो जाएगी इतनी, इस वाले के लिए इतनी हो गई इतनी, और इस वाले के लिए इतनी है ही आपके पास में, ठीक है, तो स्मॉल एच की वैल्यू इस होल के लिए सबसे ज्यादा है, तो लिक्विड यहां से सबसे तेज बाहर निकलेगा बाहर, समझ आ रही है बात, यहां से भी लिक्विड बाहर निकलेगा लेकिन स्पीड थोड़ी कम होगी, यहां से भी लिक्विड बाहर निकलेगा लेकिन स्पीड सबसे कम होगी। अब बताओ सबसे ज्यादा स्पीड कहां से होने वाली है, इस होल से, फिर कहां से होने वाली है, यहां से, फिर कहां से होने वाली है, ऊपर वाले से, और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आपके सामने होने वाला है वो क्या है, अंडर रूट टू जी स्मॉल एच, समझ में आ रही बात आप लोगों को, इतनी वेलोसिटी से लिक्विड यहां से निकलकर बाहर की तरफ भागेगा, ठीक है, हम दो तीन चीजें इसके साथ में और कोरिलेट कर देंगे, लेकिन पहले आप हमें ये बताइए कि ये समझ में आया या नहीं आया, ए पॉइंट की एनर्जी को हमने बी पॉइंट की एनर्जी के इक्वल रखा, अरे रखा, ए पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, और पोटेंशियल एनर्जी,
ओके, और बी पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी पी, वहां काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वहां होल से लिक्विड बाहर निकलेगा। समझ में आ रही बात? कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? हाफ रो बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में ये होगी। ठीक है, हमने दोनों तरफ इक्वल रख के सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करके ये रिजल्ट हम लोगों को मिला। ठीक है, अब इस रिजल्ट से और आगे फर्दर क्या रिजल्ट हम लोग बना सकते हैं ये हम लोगों को देखने हैं बेटा। ठीक है, चल पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। टॉरसली ने बर्नौली के प्रिंसिपल को यहां अप्लाई किया था। पूरा नाम होता है टॉरसली लॉ ऑफ ई फ्लक्स। ये तो पानी बाहर निकल रहा है, इसे बोलते हैं ई फ्लक्स, और टॉरसली ने इसके ऊपर काम किया था, इसीलिए टॉरसली लॉ बोलते हैं। ठीक है, यानी बर्नौली के प्रिंसिपल को टॉरसली ने अप्लाई किया था, इसलिए टॉरसली के नाम से जानते हैं। भाई आवाज मत करिए बच्चों, यहां ध्यान से बात सुनिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए, नोट कर लिया है क्या आप लोगों ने? ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊं। अब ध्यान से देखिएगा, ये बताइए आप, मैं वेलोसिटी तो जस्ट हमने ड्राइव कर ही ली है, और कितनी वेलोसिटी ड्राइव करी है हम लोगों ने? ठीक है, अब सवाल क्या आता है जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम ये बनी कि यहां से होल किया तो यहां से वाटर बाहर निकला, और वो वाटर बाहर निकलेगा तो वो वाटर यहां से जाते हुए, यहां से जाते हुए, यहां से जाते हुए ग्राउंड से टकराएगा। समझ में आ रही बात? पानी को यहां से निकलकर यहां से टकराने में कितना टाइम लगने वाला है, उस टाइम को हम जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां भी हम इसे टाइम ऑफ फ्लाइट का ही नाम देंगे। होल से वाटर बाहर निकलेगा, और यहां से वाटर बाहर निकलकर यहां से चलकर, यहां से चलकर ग्राउंड से जाकर ये टकराएगा। समझ में आ रही बात? तो ये बताना है कि इस पानी को यहां से लेकर यहां जाने में कितना टाइम लगने वाला है। अब ध्यान से आप हमारी बात सुनिएगा बेटा, वाटर को यहां से निकलकर यहां तक टकराने में जो टाइम लगता है उसका फॉर्मूला है ये, अंडर रूट 2h- अपॉन ग्रेविटी। ये फॉर्मूला है अंडर रूट 2h- अपॉन। अब ये समझिए कि h- क्या है, हम h- किसे कहेंगे? ये जो होल की नीचे से आप लोगों को हाइट दिखाई दे रही है ना बेटा, इस होल की बॉटम से जो हाइट होगी, ग्राउंड लेवल से जो हाइट होगी, वो आपकी h- कहलाएगी। समझ में आ रही बात? अब आप मुझे ये बताइए जरा ध्यान से, पूरी हाइट कितनी है? ये कितना हो गया? तो h- की वैल्यू क्या हो गई? h- h। क्लियर? हम यहां से उठाकर यहां पुट करेंगे, सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2H- h एंड डिवाइडेड अपॉन ग्रेविटी। इतना टाइम लगने वाला है वाटर को यहां से निकलकर यहां टकराने में। समझ में आ रही बात? अब एक बात बताइए ध्यान से बेटा,
ये जो वाटर है ये यहां से निकलकर यहां जाकर टकरा गया। अब जब ये यहां जाकर टकराया तो अपने कंटेनर से इतना दूर जाकर गिरा, गिराना इतना दूर जाकर, ऐसा तो हुआ नहीं कि यहां से निकलकर जस्ट यहीं गिर गया एकदम, यहां से निकलकर थोड़ा दूर जाकर गिरा। फिजिक्स में इस डिस्टेंस को हम रेंज के नाम से जानते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम रेंज बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जब वाटर यहां से निकलकर यहां गिरेगा तो ये डिस्टेंस भी आपकी रेंज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेंज। और बहुत आसान है रेंज निकालना। कैसे निकालोगे रेंज, मैं आपको बताता हूं। रेंज एक तरीके की डिस्टेंस है, और रेंज का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू, ये बताइए कितनी स्पीड से वाटर बाहर निकल रहा है, वी जो जो भी है तो वी ही, और यहां से लेकर यहां जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये जो रेंज होगी ना बेटा आप लोगों की यहां से यहां तक, ये आपकी कहलाएगी V into capital T। ये रेंज आप लोगों की V into capital T कहलाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये बताइए तीन चीजें हम लोगों ने यहां कैलकुलेट कर ली। अभी दो रिजल्ट मैं और बताऊंगा आपको इसके ऊपर, सुनते रहिए ध्यान से। एक तो आप लोगों ने ये यहां से सीख लिया है कि जो वॉटर बाहर निकलेगा उसकी स्पीड कितनी होगी। समझ में आ रही बात? जो होल जितना बॉटम में होगा वहां से पानी उतना ज्यादा स्पीड से बाहर निकलेगा, ठीक है। एक आप लोगों ने यह सीख लिया है कि पानी को यहां से निकलकर ग्राउंड लेवल तक टकराने में कितना टाइम लगने वाला है। एक आपने यह सीख लिया है कि यह रेंज की वैल्यू कितनी होने वाली है, ठीक है। हम इसके ऊपर सीधा एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं बेटा, और प्रॉब्लम से आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जरा देखिएगा ध्यान से आप लोग, प्रॉब्लम क्या है अपने पास में। कंटेनर में यहां तक हमें वाटर दिया गया है भैया, ठीक है, और पूरी हाइट जो दी गई है हम लोगों को वो है 20 मीटर। 20 मीटर ये दिया गया है हमें बॉटम, ठीक। अब कंटेनर में बिल्कुल बीचों बीच, यानी यहां से ये पूरा वाटर यहां फिल है, पूरा वाटर फिल है, यहां से वाटर बाहर निकला और ऐसे ऐसे जाकर ग्राउंड लेवल से टकरा गया बिल्कुल बीचों बीच से। सबसे पहले हमें ये बताना है कि यहां से जो पानी बाहर निकलेगा उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। यहां से जो पानी बाहर निकलेगा उसकी स्पीड कितनी होगी। अब मुझे ये बताइए पूरे कंटेनर की हाइट कितनी है। मैंने आपसे कहा कि ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, और नीचे वाले भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। आ गया समझ में? स्पीड का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो है अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2 ग्रेविटी की वैल्यू, हाइट की वैल्यू। आ गया समझ में बेटा? वी निकल गया हमारे पास में अंडर रूट 200 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से लिक्विड यहां से बाहर निकल रहा होगा, निकलेगा इतनी स्पीड से यहां से लिक्विड बाहर, क्लियर। अब आप लोगों को चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, कितना टाइम लगेगा इसे नीचे तक जाने में, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगने वाला है, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था कि बेटा टाइम निकालने के लिए ये हाइट आपको गिवन होनी चाहिए, ये हाइट आपको गिवन होनी चाहिए, होल से नीचे की हाइट आपको गिवन होनी चाहिए। बताइए होल से नीचे की हाइट कितनी है, और टाइम का फॉर्मूला बड़ा इजी है, ये है टाइम का फॉर्मूला अंडर रूट 2h/g। बताइए है या नहीं है? हाइट की वैल्यू कितनी हो गई, नीचे की हाइट, स्पीड निकालते हुए ऊपर की हाइट, टाइम निकालते हुए नीचे की हाइट, क्लियर है ना बात, ठीक है। H की जगह रखेंगे 10, ग्रेविटी की वैल्यू भी 10, हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा √2 सेकेंड। √2 सेकेंड इतना टाइम लगेगा बाहर निकलने में, या इतना टाइम लगेगा बाहर निकलने से लेकर ग्राउंड तक टकराने में, ठीक है। अच्छा अब ये लिक्विड कितना दूर जाकर गिरेगा, अरे यहां गिरेगा ना भैया, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेंज। और रेंज का बेसिक फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू, बताइए स्पीड कितने है आपके पास में, अंडर रूट 200, और टाइम कितना है, अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 400, और 400 का अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 20 मीटर। कितना हो जाएगा, यानी ये जो पानी यहां से निकलेगा ये 20 मीटर दूर जाकर गिरेगा। कहां गिरेगा, 20 मीटर दूर जाकर गिरेगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अब मैं आप लोगों को इसके ऊपर एक शॉर्ट पॉइंट बताता हूं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। बेटा शॉर्ट पॉइंट ये है, ये हमारे पास में है कंटेनर, ठीक है। कंटेनर की जो हाइट हम लोगों को दे रखी है वो दे रखी है h, ये कंटेनर की हाइट है h।
सवाल ये आया, ध्यान से सुनिएगा, कि हमें ये जो होल करना है ना, होल, ये होल हम कहाँ करें, होल कहाँ होना चाहिए कि यहाँ से निकलने वाला वाटर दूर से दूर जाकर गिरे, यानी ये वाली डिस्टेंस मैक्सिमम रखने के लिए, रेंज को मैक्सिमम रखने के लिए। आप समझ रहे हो रेंज को मैक्सिमम रखने का मतलब क्या है? यहाँ कहाँ होल हम करें कि यहाँ से जो वाटर की एक वेव निकलने, जो यहाँ से हमारी वाटर का एक इफ्लक्स निकले, वो दूर से दूर जाकर गिरना चाहिए। रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो बेटा शॉर्ट पॉइंट इसका ये है कि आपको कंटेनर के बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर होल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं रेंज को मैक्सिमम बनाना। अगर आप रेंज को मैक्सिमम बनाना चाहते हैं ना, तो कंटेनर के बिल्कुल बीच में आपको क्या करना पड़ेगा? होल करना पड़ेगा। और उस केस में जो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू निकल कर आएगी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस में और नीट में तो डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन बन चुका है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। जो आपकी मैक्सिमम रेंज की वैल्यू निकल कर आएगी वो हाइट के इक्वल ही निकल कर आएगी। किसके इक्वल निकल कर आएगी? तो पहली बात तो ये बताइए कि रेंज को मैक्सिमम करने के लिए कहां होल करना पड़ेगा? बिल्कुल मिड पॉइंट पर। और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हाइट, जो कंटेनर की हाइट होगी वही आपकी रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए इस प्रॉब्लम को। और स्पीड मैक्सिमम करने के लिए कहां होल करना पड़ेगा हम लोगों को? नहीं, मिड पॉइंट में क्यों करेंगे भाई, बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल बॉटम में हमें होल करना पड़ेगा स्पीड को मैक्सिमम करने के लिए। और रेंज को मैक्सिमम करने के लिए कहां करना पड़ेगा? मिड पॉइंट में, कंटेनर के बिल्कुल मिड पॉइंट पे। ठीक है, ओके। इसके ऊपर मैं एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूं। आईआईटी जेईई 2019 में इसके ऊपर एक प्रॉब्लम पूछी गई है बच्चों, ठीक है। मैं आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा। पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि ये पूरी कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई है क्या? अरे जल्दी से बताओ यार, बताओ नेक्स्ट कंडीशन मैं आप लोगों को, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं यहां होल कर दूंगा तो पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा, ये जो अपर लेवल है ये कहाँ आना स्टार्ट कर देगा? ये डाउन आना स्टार्ट कर देगा। तो एक सवाल हमारे पास पे बनता है कि यार पहले जो हमारा कंटेनर था वो एच हाइट तक भरा हुआ था, कंटेनर हमारा कितनी हाइट तक भरा हुआ था? धीरे धीरे हमारा कंटेनर खाली हो गया होल की वजह से, और ये घटते घटते हमारा एच डैश हाइट पर आ गया। समझ में आ रही बात? यानी इतना, ये जिस पर मैं ब्लू कलर की शेडिंग कर रहा हूँ, इतना वाटर आपका इस होल के जरिए कहाँ निकल चुका है? बाहर निकल चुका है। इतना वाटर आपका यहाँ से इस होल के जरिए कहाँ निकल चुका है? बाहर निकल चुका है। समझ में आ रही बात? यानी पहले कंटेनर कहाँ तक भरा हुआ था? एच हाइट तक। अब कंटेनर धीरे 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 कितनी हाइट पर आ गया? एच डैश पर आ गया है। इतना पानी बाहर निकल गया, तो इतने पानी को बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है कि लेवल को यहाँ से यहाँ तक आने में डेफिनेटली टाइम तो लगेगा, कंटेनर को खाली होने में जरूर टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा यहां से लेकर यहां तक लेवल को आने में? तो बेटा टाइम का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो ये है, टी इज इक्वल टू ए अपॉन ए नॉट अंडर रूट टू अपॉन जी ब्रैकेट स्टार्ट अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट एच डैश। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है टाइम का, ठीक है। लेवल यहां से लेकर यहां तक आने में, या पूरा कंटेनर खाली होने में, अगर पूरे कंटेनर के खाली होने की बात कहेगा ना बेटा,
तो आपको एच डैश की जगह जीरो लेना है। क्या लेना है? क्योंकि अगर पूरा कंटेनर खाली होने की बात करेगा तो शुरुआत में हाइट कितनी थी, और कंटेनर अगर पूरा खाली हो गया तो लास्ट वाला पॉइंट बॉटम पे होगा, लास्ट वाला पॉइंट बॉटम पे होगा, तो एच डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। अगर पूरा कंटेनर खाली करने की बात करेगा तो एच डैश की जगह आप जीरो रखेंगे। और अगर ये कहेगा कि एच से घटकर एच डैश पर आ गए, एच से घटकर कहाँ गए? एच डैश पर, तो ये फॉर्मूला आप यूज में लेकर आएंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि सारे टर्म आप लोगों को यहाँ पता है या नहीं पता है, ध्यान से सुनिएगा। 2/ग्रेविटी तो कॉन्स्टेंट है, एच पता है सभी लोगों को क्या है, एच क्या है? इनिशियल कंडीशन में कितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ था। एच डैश क्या है? फाइनल कंडीशन में कहां तक लिक्विड पहुंच गया है। बचा क्या है इसके बाद में, क्या बच रहा है? ए और अब देखो ए क्या है, जरा समझना गौर से ए क्या है। ठीक है, बताओ यहां का कोई एरिया होगा या नहीं होगा? ये एरिया होगा या नहीं होगा? ये एरिया होगा या नहीं होगा? ये जो एरिया होगा हम लोगों का, ये कहलाएगा ए। क्या कहलाएगा? ये एरिया ए कहलाएगा। और यहां का जो एरिया होगा ये कहलाएगा ए नॉट। क्या कहलाएगा? जहां हमारा कंटेनर का पूरा क्रॉस सेक्शन है, कंटेनर का जो पूरा एरिया है, ये वाला एरिया ये ए कहलाएगा, और ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? इतना टाइम लगेगा हम लोगों को कंटेनर को खाली करने में या कंटेनर को एक लेवल तक दूसरे लेवल पर पहुंचने में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सही मायने में बच्चों को, और मतलब जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है, या बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाया जाता है। लेकिन आईआईटी की हिस्ट्री में पहली बार 2019 में इसके ऊपर एक सवाल पूछा गया। वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट ऐसे थे, मुझे लगता नहीं कि अटेम्प्ट कर पाए होंगे इस तरीके की प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में आता है। क्योंकि मैं बताता हूँ कारण क्या है बेटा, कारण ये है कि जैसे जैसे लिक्विड कम होता जाता है ना, लिक्विड जैसे जैसे नीचे आता जाता है, पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है, घटती जाती है ना, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ एग्जिस्ट कर जाता है। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, कई सारे तरीके के इंटीग्रेशन हम लोगों को करने होते हैं, तब जाकर फाइनली हम लोगों को ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब ऐसा है कि अगर सवाल कभी आपके सामने आ भी गया, भले ही प्रॉब्लम कैसे भी आए, आपके पास में एक जर्नल कंडीशन मौजूद है, मौजूद है ना जर्नल कंडीशन, वो आपसे कहे कि एच से एच डैश तक आ गया तब भी है, एच से पूरी तरीके से खाली हो गया तब भी आपके पास में है, पूरे कंटेनर से आधे कंटेनर पर आ गया तब भी आपके पास में है, तो बताओ इस तरीके की सिचुएशन को आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ए का मतलब मुझे बता दीजिए, जर्नली बच्चे ए का मतलब भूल जाते हैं, ए क्या है मुझे ये बताइए। यहाँ का एरिया क्या कहलाएगा? और यहाँ का एरिया, छोटे होल का एरिया क्या है? ए नॉट। और बड़े होल का एरिया, क्लियर है बात? 2/ग्रेविटी कॉन्स्टेंट है, आपको पता है ग्रेविटी की वैल्यू जर्नली 10 होगी। एच क्या है? शुरुआत में लिक्विड कहां तक भरा हुआ है, और एच डैश का मतलब क्या है? बाद में लिक्विड कहां आप लोगों का आ गया है। क्लियर, पक्का, कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, इन द गिवन फिगर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। इन द गिवन फिगर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। नीट वाले बच्चे स्टार मार्क कर लें भाई इस क्वेश्चन के ऊपर। इन द गिवन फिगर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। एक तो वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी, एक लिक्विड को होल से निकलकर जमीन से टकराने में कितना टाइम लगेगा यह बताना है, और एक लिक्विड कितनी दूर जाकर जमीन से टकराएगा यह बताना है। रेंज बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, और टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है कितना होगा। ठीक है, बताइए जरा फटाफट। एक ये बताना है कि कंटेनर को पूरी तरीके से खाली होने में कितना समय लगेगा, कंटेनर को पूरी तरीके से खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलो कंटेनर के समय को छोड़ दो, तुम लोग तुम बस यही बताओ, तीन कंडीशन मेरे पूछे, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहला आंसर।
बोलो, अरे जोर से बोल, क्या है? 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट बता कितना होगा? अरे यार इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए जितना टाइम तुम लग, अंडर रूट 700, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कितना होगा? 1 सेकेंड, रेंज बताओ कितनी होगी? पहले ये बताइए कि वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सी हाइट ली जाती है? सरफेस से यहां तक की हाइट ली जाती है। ओके, ये पूरी हाइट कितनी है? ये कितनी है? ये कितनी हो गई? 35 मीटर हो गई है। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप लोग? V इज इक्वल टू 2, ग्रेविटी की वैल्यू 10 और ये हो गया 35 एंड द आंसर इज अंडर रूट 700 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? किसी को परेशानी है तो बताओ। पक्का? टाइम का फॉर्मूला क्या बताया हमने आप लोगों को, लेकिन यहां कौन सी हाइट लेनी है? नीचे वाली हाइट। वेलोसिटी निकालने के लिए ऊपर वाली, टाइम निकालने के लिए नीचे वाली। कितनी है? 5 है ना, और ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 5 × 2 10, 10/10 1 सेकेंड। क्लियर हो गई बात? ठीक है, और रेंज का फॉर्मूला वी और वी कितना है और टी है 1, तो रेंज निकल गई बेटा हमारे पास में अंडर रूट 700 मीटर। क्लियर? वेलोसिटी भी निकल गई, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल गया और हमारी रेंज भी निकल गई। ठीक है, सो वेंचुरी मीटर और वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, जिसे हम टॉरसली लॉ के नाम से भी जानते हैं, ये दो टॉपिक हमारे फिनिश हो गए। क्लियर है ना सभी लोगों को बात? अब तुम्हारा जो होमवर्क है वो है कि दो बार तुम्हें वेंचुरी मीटर लिखना है और दो बार तुम्हें टॉरसली लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो अपनी कॉपी में। कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी? पक्का? या V1? और फिर V2। फिर V1। क्योंकि वेलोसिटी जितना ज्यादा जो गहराई में होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। अच्छा चलो, वेलोसिटी तो तुमने बता दी, अब तुम हमें ये बताओ, यहां से पानी निकलकर यहां आएगा, यहां से निकलकर यहां आएगा, यहां से निकलकर यहां आएगा, इसे नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है? इसे वेलोसिटी तो तुम्हें पता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी और नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो टाइम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ऊपर से नीचे जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है? फिर V2, फिर V1। और नीचे से ऊपर जाओगे तो टाइम बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा टाइम कौन से वाटर को लगने वाला है? V1 को। V1 टाइम है। T1 यहां से यहां आने में सबसे ज्यादा टाइम किसे लगेगा? T1। फिर कौन सा है? फिर कौन सा है? क्लियर? ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में, स्प्रे और एटमॉइजर। लिख दिया? चलो अभी टाइम भी हो गया है, तो अभी और टाइम बचा भी नहीं है हमारे पास में। हेडिंग डाल देना आप लोगों ने, समझा तो मैंने रखा ही है, आप लोगों को पता है ना किस तरीके से काम करता है ये। ठीक है, तो अब सुन लीजिए बात ध्यान से, होमवर्क समझ गए आप लोग क्या है? कल आप लोगों को ऑफ है बच्चों, कल आप लोगों की छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, अब आप लोगों को मंडे आना है। ठीक है, और मंडे आप लोगों का जो होमवर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया है, पता है ना होमवर्क कैसे करके लेकर आना है? 2 पेज में करके लेकर आएंगे और यहां रख देंगे। ठीक है,